एक बार जेठालाल दया के लिए एक साड़ी लेके आता है और दया को दे देता है। दया बहुत खुश होती है। फिर जेठालाल दुकान के लिए निकल जाता है, लेकिन वो अपना मोबाइल घर पे ही भूल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद महिला मंडल दया के घर आती है। फिर दया वो साड़ी सबको दिखाती है। दया भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, ऐसी साड़ी तो मुझे भी खरीदनी है। तभी बापूजी की आवाज आती है, बहू पानी लाना जरा। फिर दया बापूजी को पानी देने चली जाती है। फिर दया बापूजी को पानी देकर वापस हॉल में आती है। महिला मंडल वहाँ से जा चुकी थी। दया देखती है मेरी नई साड़ी भी वहाँ पर नहीं है। दया को लगता है कि साड़ी चोरी हो चुकी है और दया को उन तीनों पर ही शक होता है। फिर वो तीनों को बुलाती है और तीनों से पूछताछ करती है। तो सबसे पहले बबीता बोलती है, दया भाभी मुझे जेठा जी से काम था, इसलिए मैं उनसे फोन पे बात कर रही थी। अंजलि बोलती है, दया भाभी तारक जी का फोन आया था कि वो घर आ चुके हैं, इसलिए फिर मैं भी घर पे चली गई। माधवी बोलती है, दया भाभी मुझे अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए जाना था, इसलिए फिर मैं चली गई। दया इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनती है और पता लगा लेती है कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है और किसने मेरी साड़ी चुराई है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है? अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों दया की साड़ी बबीता ने चुराई है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जेठालाल का मोबाइल घर पर ही छूट गया है। तो बबीता ने जेठालाल से बात कैसे की? इसका मतलब बबीता झूठ बोल रही है और दया की साड़ी बबीता ने ही चुराई है। दोस्तों क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।